गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका आईटी जार्गन डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड आपका जो ये चैप्टर है ये आपका एंड पर आ गया है, मींस ये ख़त्म हो चुका है। फिर इसके बाद आपके जस्ट एग्ज़ाम्स हैं जिसके हम रिवीजन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ मल्टीमीडिया। क्या है स्टूडेंट्स? पहला है आपका मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है स्टूडेंट्स? यूजिंग मोर देन वन मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मल्टी मीन्स बहुत सारे, मीडिया मीन्स मीडियम। जब हम एक से ज़्यादा तरीक़ों के चीज़ों को यूज़ करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, तब वो कम्युनिकेशन आपका मल्टीमीडिया कहलाता है। लाइक आप पिक्चर्स के थ्रू बात कर रहे हैं, या फिर आप वीडियोस के थ्रू बात कर रहे हैं, या फिर आप किसी साउंड के थ्रू बात कर रहे हैं। तो ये आप इस वे के कम्युनिकेशन आपके मल्टीमीडिया में आते हैं। फिर है 2D एनिमेशन, क्रिएटिंग एनिमेशन इन टू डायमेंशनल एनवायरनमेंट यूजिंग फ्रेम्स। क्या करना है स्टूडेंट्स? क्रिएटिंग एनिमेशन इन टू डायमेंशनल एनवायरनमेंट यूजिंग फ्रेम्स। 2D एनिमेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? आपका हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं टू डायमेंशंस के एनवायरनमेंट में फ्रेम्स का यूज करके। 3D एनिमेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? एनिमेटर क्रिएट्स डिजिटल मॉडल एंड देन गिव इट एनिमेशन इफेक्ट। 3D मॉडल में क्या होता है स्टूडेंट्स? हम लोग आपका पहले डिजिटल मॉडल एक क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद उसको आपका कन्वर्ट करते हैं एंड उसको एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए पिक्सल। पिक्सल क्या होता है स्टूडेंट्स? एक आपकी ये स्मॉल होता है, टाइनी डॉट होता है, जिसके थ्रू आपका जो इमेज है वो कंप्यूटर पर डिस्प्ले होती है। पिक्सल इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पिक्चर एलिमेंट। क्या है? पिक्चर इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पिक्चर एलिमेंट। फिर है आपका पॉपअप मेन्यू। पॉपअप विंडो सडनली अपीयर्स व्हेन यू सिलेक्ट एन ऑप्शन विथ माउस। इट कंटेन्स कमांड्स। इट विल स्टे ऑन द स्क्रीन टिल यू सिलेक्ट वन ऑफ द कमांड्स। टिल यू सिलेक्ट वन ऑफ द कमांड्स। पॉपअप मेन्यू क्या है? पॉपअप विंडो अपीयर्स व्हेन यू सिलेक्ट एन ऑप्शन विथ माउस। पॉपअप क्या करता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपका एक तरह का मेन्यू होता है जो आप जब भी किसी अपने माउस से कुछ टच करते हैं तो आपका ये सामने आता है। ये आपका तब तक रहता है जब तक आप इसके ऊपर से कोई भी एक कमांड चूज ना कर लें। फिर है की हाइलाइट्स। ये आपके चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में डिस्कस करना है। फ्लैश इज़ यूज टू क्रिएट एनिमेशन। इट इज़ पॉपुलर टू एंड ईजी टू यूज़। फ्लैश आपका जो है वो यूज़ किया जाता है एनिमेशन क्रिएट करने के लिए। एंड आपका जो ये फ्लैश है वो आपका पॉपुलर है एंड यूज़ करने में ईजी है। फिर है फ्लैश विंडो हैज़ मैनी पार्ट्स सच एज मेन्यू बार, टूल बार, टाइमलाइन, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, स्टेज, लेयर्स एंड पैनल्स। ये सब स्टूडेंट्स आपके कुछ पार्ट्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं फ्लैश की विंडो में। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। टूल बार हैज़ वेरियस ड्राइंग टूल्स। टूल बार क्या होते हैं स्टूडेंट्स? टूल बार के बहुत सारे ड्राइंग टूल्स होते हैं जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इन टूल्स का डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बनाने में। फिर यू कैन फिल ऑब्जेक्ट विथ टू और मोर कलर्स विथ ग्रेडियंट। आप फिल कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को किन्हीं भी दो या दो से अधिक कलर्स को ग्रेडियंट्स की हेल्प से। फिर है ऑब्जेक्ट इन अ फ्लैश हैज़ टू पार्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्लैश में दो पार्ट्स होते हैं, एक आउटलाइन होता है, एक एंड एक फिल होता है। फिर यू कैन ग्रुप द ऑब्जेक्ट एंड क्रिएट सिंबल। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं एंड क्रिएट कर सकते हैं एक सिंबल। फिर है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मूवी इज फ्रेम। आपकी मूवी की कोई भी जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स उसे हम लोग? वो आपकी एक फ्रेम होता है। वी कैन क्रिएट टू टाइप्स ऑफ एनिमेशन, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन एंड ट्विनिंग। क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका? एक होता है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, एक होता है ट्विनिंग। इन फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन यू कैन चेंज कंटेंट ऑफ ईच फ्रेम मैनुअली। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? आप हर एक फ्रेम का कंटेंट आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। फिर है इन ट्विनिंग यू विल स्पेसिफाई पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेम। फ्लैश विल फिल द फ्रेम्स इन बिटवीन। ट्विनिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स? आप पहला और आखिरी फ्रेम बस फिल करते हैं, बाकी अब फ्लैश अपने आप खुद कर देता है। ट्विनिंग इफेक्ट्स भी अब देख लेते हैं। टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है मोशन ट्विनिंग एंड दूसरा होता है शेप ट्विनिंग। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज के वीडियो में जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये हम एक्सरसाइज करवाएंगे और इसी के साथ आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।